नमस्कार दोस्तों, पलंबर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टेरो टेक्समो टेरो समर्सिबल पंप के बारे में, जो है गाइस 2 HP 20 स्टेज का पंप है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ आता है। सारी डिटेल यहाँ देखी हुई है, डाया 100 mm बोरवेल पंप है, समर्सिबल पंप सेट है, 16,990 इसकी प्राइस है, लेकिन ये आपको लगभग अप्रोक्सी 16,000 रुपये में पड़ जाएगा पंप और मोटर। अदर सामान की हम बात करें तो टोटल इस्टीमेट पड़ता है गाइस 35,000 से 40,000 आपको पाइप, रस्सा, केबल, एसेसरी सारी चीज़ की आ जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया पंप सेट है, सिंगल पेस का है गाइस, 2 HP का है और ये इसका रस्सा केबल तार है गाइस। ये पैरामून का स्टार्टर आपको बता दूँ, काफ़ी बढ़िया स्टार्टर है, 2 HP का स्टार्टर है गाइस। एम्पियर 13-21 एम्पियर स्टार्टिंग कैपेसिटी है 250 और गाइस काफ़ी बढ़िया पैरामून का स्टार्टर है। उससे पहले आपको एक बात बता दूँ गाइस, मैंने आपको अगर किसी भी टाइप की जॉब चाहिए, आप किसी भी प्रकार का काम आता है आपको, किसी भी प्रकार की आपको सर्विस आती है, किसी भी प्रकार के आप मैकेनिकल, टीवी, इलेक्ट्रिकल, मतलब आप कोई भी काम आता है ना, अगर आपको इस टाइप का कोई भी काम चाहिए ना, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ लेके आए ईथिंग एप्स नाम से, जहां आप लैपटॉप, टीवी रिपेयर, कार रिपेयर, सर्विस रिपेयर, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हो। रिपेयर से लेके स्किल जो आपके पास है वो आप इस ऐप के द्वारा दिखा सकते हो, और इस टाइप का कोई भी काम चाहिए ना तो आप वो काम ले सकते हो और कर सकते हो। प्ले स्टोर पे आपको गूगल पे प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके एक बार डाउनलोड करिए। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप से कि किस प्रकार इसे यूज़ करें, काफ़ी यूज़ करना आसान है। अगर आपको जॉब चाहिए तो काफ़ी बढ़िया ऐप है ईटिंग ऐप। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी ये समर्सिबल पंप की, टेरो कंपनी का है गाइस, टेक्समो टेरो गाइस यहाँ लिखा हुआ है, सारी डिटेल लिखी हुई है गाइस, 2 ईयर की वारंटी के साथ आता है, 230 वोल्टेज है और गाइस सारी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया पंप आता है गाइस। अगर आपको बाय करना है तो अप्रोक्सीमेट 16,000 का पंप मिल जाएगा आपको, 2 HP 20 स्टेज का पंप है, जो लगभग अप्रोक्सीमेट 350 से 400 फिट आपको दे देगा पानी नीचे से ऊपर तक। तो इस प्रकार आप स्क्रू बोल्ट खोल के पानी जरूर डालिए, ये गाइस पानी नहीं डालोगे तो मोटर चलने के चांसेस है। एक बार कंपनी से पानी भरा आता है लेकिन किसी वजह से निकल जाए, तो एक बार टेस्टिंग करने के लिए आप बोल्ट खोल दो, ये दोनों बोल्ट खोल के पानी जरूर भरे गाइस, ये चीज़ नहीं भूले, पानी नहीं भरोगे तो मोटर जल सकती है। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का पंप आता है टेक्समो टेरो, इसकी 2 ईयर की वारंटी के साथ प्रोवाइड करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका सर्विस सेंटर भी अवेलेबल रहता है, हर शहर में आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा काफ़ी बढ़िया क्वालिटी। इस प्रकार आप ऊपर रख के इसमें ग्रुप आते हैं, उसके द्वारा ये पंप आसानी से सेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखिए आराम से सेट हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको गाइस, जो चारों बोल्ट होते हैं उसे टाइट करने हैं गाइस, चारों बोल्टों को अच्छे से टाइट करिए, क्योंकि टाइट नहीं करोगे तो अगर स्पेस रह जाएगा, ध्यान से नहीं लगाओगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस इसकी सारी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको टोटल प्राइसिंग पड़ेगा 35,000 से 40,000 अगर आपको 2 HP 20 स्टेज का टेरो टेक्समो लेना है तो। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ टेरो आती है, आप बाय कर सकते हो, काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने काफ़ी सारे पंप लगाए तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि इस मोटर को हम ख़राब का, यहाँ इसकी सारी डिटेल और लिखी हुई है गाइस, 2 जगह डिटेल लिखी है, टोटल 3 जगह आती है, बॉक्स पे आती है, मोटर पे आती है और पंप पे आती है, तो 3 ही जगह डिटेल लिखी आती है। इस प्रकार अच्छे से टाइट करिए पाइप पे, रिंग वाले पाने से अच्छे से पेचकस लगा के टाइट करिए। और ये गाइस हमने तार का ये भी फिट कर दिया, इसको भी फिट करना ज़रूरी है क्योंकि तार कट ना जाए, इसके लिए इसकी पैकिंग आती है, ये काफ़ी क्लिप आता है जो नीचे से ऊपर तक लग जाता है। और हम एसेसरी की बात करें तो एसेसरी में हम काफ़ी सारे सामान आते हैं, जैसे टैंक का ये ढक्कन आता है सॉरी, और ये 2 बैरल निपल आती है 1.25 इंची की, और टेप्लॉन टेप, लाइट की टेप और कच्चा रबर, तीनों आइटम आते हैं। उसके बाद करूँ तो उसके बाद आते हैं 2 क्लिप, 1 क्लिप ऊपर लगेगा, 1 नीचे लगेगा। और गाइज ये बैंड है ऊपर जहाँ पानी देना पड़ेगा, यह 1.25 का सॉकेट लगा के बैंड लगेगा। ये होज निप्पल है जो सबसे आगे 1 इंची पाइप लगेगा, और क्लैंप है। ये ढक्कन गाइज आपको अप्रोक्सीमेट पड़ जाएगा 250-300 रुपये के, जहाँ बीच में पाइप, 1 रस्सा 1 केबल, और अप्रोक्सीमेट 1000 के आपको एसेसरी पड़ जाएगी। इसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता चलेगी एसेसरी क्या क्या लगती है और कितने का खर्चा आता है एसेसरी में।
तो ये इस प्रकार ढक्कन है गाइस जो बोरवेल पे लग जाएगा। ये जाली बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये छोटी सी जाली काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर आपके पानी में रेत काफ़ी आती है तो उन जगह मतलब हर जगह ये जाली लगाना जरूरी है। इस जाली को कैसे लगाते मैं आपको बाद में बताऊँगा, उससे पहले आपको बता दूँ कि बैरल निप्पल कैसे लगाते हैं। बैरल निप्पल लगाना बहुत ही आसान है, टेप्लॉन टेप लगाइए बैरल निप्पल के और उसे टाइट कर दीजिए रिंच पाने की मदद से, तो काफ़ी बढ़िया है ये चीज़ें, आप लगाना भी सीख सकते हो आसानी से। इसके अगर आपको चार्जेस की बात करूँ एक सबमर्सिबल पंप लगाने की चार्जेस की, तो हमारा चार्जेस है 1000 रुपीज़, 500 रुपये से 1000 रुपये तक आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छा मिस्त्री एक अच्छे तरीके से लगाएगा वो थोड़े चार्जेस ज़्यादा लेता है, 1000 रुपये हम पैक मतलब लेते हैं एक मोटर लगाने के। आपको मोटर लगवानी हो तो राजस्थान भीलवाड़ा में हम रहते हैं वहाँ 1000 चार्ज लेते हैं गाइस, ज़्यादा चार्ज नहीं है क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से काम करते हैं तो उस हिसाब से चार्ज इतना बनता ही है, मिनिमम 1000 रुपये लगेंगे और 5000 वाला 5000 जैसे ही काम करेगा गाइस। और ये जाली देखिए, ये जाली आप लगा सकते हो गाइस आसानी से, कुछ भी नहीं करना है आपको, मोटर खड़ी करनी है और जाली को जहाँ से पानी आता है बीच से ही है, जहाँ से पानी आता है हमें वहाँ पहुँचानी है गाइस। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, ये पोछा दिया हमने गाइस और दोनों तरफ टेप लगा दीजिए गाइस, जो इसके साथ रस्सी आती है वो लगाते हैं ना तो उससे क्या ऊपर नीचे हो जाती है, और टेप लगाने से क्या फिक्स जगह पे वो रहेगी और जाली फटेगी नहीं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, जैसे सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, एक से लेके अंत तक हर बात बताने वाला हूँ, किस प्रकार से फिटिंग करते हैं, क्या होता है मोटर, समर्सिबल पंप के बारे में भी हम बात करेंगे और काफ़ी चीज़ों के बारे में, इसका जो कनेक्शन होता है तारों का कनेक्शन, जो समर्सिबल पंप है और ये तार, जैसे ये हम कनेक्शन कैसे करते हैं गाइस। कनेक्शन नॉर्मल है, जो मोटर के तार होते हैं RYB रेड येलो ब्लू, और जो हमारी केबल होती है उसके तार भी रेड येलो ब्लू, तीनों को कनेक्शन कलर वाइज करना है और तीनों को आपस में इस प्रकार ही जोड़ना है कि जैसे कि केबल को हमने जोड़ा है, इस प्रकार आप एक एक बार तीनों तार को जोड़ के कच्चा रबर लाइट की टेप लगा दीजिए और इस प्रकार ये देखिए कच्चा रबर लगा दीजिए, एंडिंग पहले लाइट की टेप लगाइए फिर कच्चा रबर लगाइए फिर लाइट की टेप लगाइए फिर कच्चा रबर लगाइए, तीनों को आपस में पास में रखे फिर एक जैसे केबल जैसे बना दीजिए। ये देखिए गाइस एकदम केबल लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से मतलब मुड़ा हुआ है कहीं से, एक से सीधा तरीका है, मतलब लाइट वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे ऐसे, मतलब कनेक्शन बहुत ही सीधा है, जैसे वायर का कनेक्शन आपस में होता है केबल का, इतनी बड़ी केबल आती है उसी प्रकार से जॉइंट करिए कि लाइट की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस ये देखिए काफ़ी आसानी से कच्चा रबर लगा दिया है हमने, उसके बाद लास्ट स्टेप है गाइस टेप लगाने की, लास्ट स्टेप में टेप लगा दीजिए और ये वाटरप्रूफ टेप आती है, जो हम कच्चे रबर की बात करें उसे वाटरप्रूफ इलेक्ट्रिक टेप कहते हैं, जो काफ़ी आप पानी के अंदर आप करंट नहीं आएगा इतनी, ये कनेक्शन टेप पानी के नीचे 300-350 फीट नीचे जाएगा और करंट नहीं आएगा गाइस, इसलिए इसको वाटरप्रूफ टैप कहते हैं। ये देखिए गाइस आपको नहीं लगेगा कि कनेक्शन हो रहा है, मतलब सीधा है। उसके बाद आप रस्सी से अच्छे से बांध दीजिए, मोटर को रस्सी से बांधने का तरीका आप देख लीजिए, इसको घोड़ा गाँट भी बोला जाता है जो गाँट हमने लगाई है, और उसके बाद एक रस्सी को दो हिस्से में बांट दीजिए और दोनों छेद दिए हुए मोटर को इनमें से डाल दीजिए, कि ये रस्सी की जो उम्र होती है 100 साल तक ये रस्सी गलती नहीं पानी के अंदर, अगर धूप में रखोगे तो 6 मंथ में ही ख़राब हो जाएगी और पानी के अंदर 100 साल तक की इसकी लाइफ होती है इस रस्सी की। तो इस प्रकार टेप लगा के आपको अंदर टेप लगा दीजिए, जिससे कि आसानी से वो जो छेद होते छोटे छोटे होते तो उनमें आसानी से चली जाए, क्योंकि उन छेद से मोटर का काफ़ी वेट झेल सकता है, मेन यहीं से इसका कनेक्शन होता है कि मोटर नीचे गिर भी जाए ना, अगर रस्से से रस्सा इसको पकड़ सकता है आसानी से, क्योंकि रस्सा भी टूट जाता है, तो इस प्रकार आप रस्से को भी बांध दीजिए आपस में कि रस्सा टूट भी जाए ना मेन जगह से तो भी आपकी मोटर नीचे ना गिरे, तो कुछ ऐसे इस प्रकार से कनेक्शन कर दीजिए, जो हमारा केबल का भी हो गया है रस्से का भी कनेक्शन हो गया है, काफ़ी अच्छे से बांध दीजिए। उसके बाद क्या करना है, पाइप को गर्म करना है, हमारा ये 300 फिट पाइप है, सॉरी 350 फिट पाइप है, इसको गर्म करके अच्छे से इसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद गाइस क्लैंप लगा दीजिए, क्लिप लगा दीजिए, क्लिप लगाने से क्या होगा गाइस अच्छे से टाइट हो जाएगा और ज़्यादा अपन ग्रिप बन जाता है, क्लैंप लगाने से ग्रिप अच्छा बन जाता है, तो उसी वजह से आप मोटर को आसानी से
पाइप नहीं निकलता है, वरना अगर नहीं लगाओगे तो पाइप निकल जाएगा। तो प्रेशर कैसा आया गाइस, वीडियो कैसी लगी गाइस? प्रेशर काफ़ी अच्छा आ रहा है इस मोटर का, 2HP 20 स्टेज के अंदर गाइस काफ़ी अच्छा पानी आ रहा है गाइस, देख सकते हो क्वालिटी पानी की। और गाइस ऐसे आप समर्सिबल पंप आसानी से लगा सकते हो। और गाइस वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।